Dear learners of English, this is Rehman and you are attending Odyssey classes of English language. आज हमारा इस लेक्चर 2 में हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन और बेसिकली हम सिंपल प्रीपोजिशंस की स्टडी करने वाले हैं. प्रीवियस लेक्चर में आपने जाना कि प्रीपोजिशन क्या होती है और उसके कितने टाइप्स हैं. तो उसमें से पहला टाइप जो सिंपल प्रीपोजिशन है उसको हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं. अब इन सारे टाइप्स को स्टडी करने में कुछ यहाँ पर आप देखेंगे कि फेज 1 हम स्टडी कर रहे हैं, इसके कई सारे फेजेस हैं. पहले फेज में हम सिंपली एक मोशन देख करके, स्टैटिक कंडीशन देख करके अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी प्रीपोजिशन लगानी है. इसके बाद कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं जो हमें लर्न करनी पड़ती हैं. थर्ड फेज में हमें एक ही प्रीपोजिशन अलग अलग दो तरह से, तीन तरह से अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करनी होती है. और फोर्थ और फाइनल फेज में आपको जो वर्बल फ्रेजेस हैं उनके साथ प्रीपोजिशन लगा करके जो फ्रेजेस के तौर पर आप जानते हैं में हम स्टडी करते हैं. वो आपकी फ्रेज प्रीपोजिशन से डिफरेंट होती हैं, जिन्हें आप वर्बल फ्रेजेस कहते हैं. और वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा करके अर्थ बदलते हैं तो उसको हम फोर्थ फेज में स्टडी करते हैं. तो यहाँ पर है हमारा फेज 1 फ्रॉम क्लास 4 ऑनवर्ड्स, जो कि हमारी प्राइमरी क्लास, जूनियर और सीनियर से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आइए इनको बारीकी से अब स्टडी करते हैं. हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो बोलेंगे तो आप नोटबुक और पेन लेकर के बैठिएगा और उनको आप बाय एंड बाय नोट करते रहिएगा. सभी एग्जाम्पल्स अपने आप में रूल साबित होंगे. यहाँ पर हमारे पास पहले प्रीपोजिशन है इन. तो यहाँ पर हमें इसे पढ़ने से पहले आपको ये समझना है कि अगर हम हिंदी की हेल्प लेकर पढ़ रहे हैं तो ये सब मे का मीनिंग देती हैं. अब सब मे का मीनिंग तो देती हैं, लेकिन मे का मीनिंग देने में क्या डिफरेंसेस हैं इनमें, इनटू में, इनसाइड में. तो इन सब में आपका मे आता है, विदिन में भी मे आता है और बिटवीन में भी मैं आता है और इसी तरह से आपका अमंग और अमंग सब में आता है. लेकिन ये मैं हर जगह एक डिफरेंस क्रिएट करता है, उसी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं. आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इन से. इन क्या कहता है? इन कहता है ऑलरेडी. अब ये ऑलरेडी क्या है? मान लीजिए कि ये एक रूम है और मैं इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हूं. तो इस ऑलरेडी एग्जिस्टेंस को जो किसी प्रेमिसिस के अंदर, किसी रूम के अंदर, किसी बॉक्स के अंदर मौजूद हो तो वहां पर आप इन लगाते हैं. अब केवल इन यहां ही लगाते हैं, ये जरूरी नहीं है. पहले एग्जांपल आपका हो गया आई एम इन अ रूम. तो यहां पर जो इन है, ऑलरेडी इन है, वहां पर वो चलकर नहीं आया, पहले कभी चला होगा तो यहां पर आपका इन आ गया है. इसके बाद आपका आता है इन कहां पर यूज होता है? इन होता है एंडिंग ऑफ अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. इसको हम जब आपको फ्रॉम वगैरह आप पढ़ाएंगे तब बताएंगे, फिर भी यहां पर आप एक बार समझ लीजिए. जैसे कि हमने कहा कि वह एक महीने में आएगा, तो जैसे ही महीना 30 तारीख का होता है, 31 का होता है या 28-29 का, जो भी होता है, उस महीने के पूरे होते ही जैसे ही वो नेक्स्ट डे आ जाए तो वह इन के अंदर आता है, तो हम कहते हैं ही विल कम इन अ मंथ. तीसरा एक अलग यहां पर पॉइंट और भी है जो कि आप जोड़ सकते हैं. जो आपके बड़े शहर होते हैं, जो बिग सिटीज होते हैं, या आप कह सकते हैं कि मेट्रो सिटीज होते हैं, तो वहां पर आप इन लगाते हैं. और जो आपके छोटे शहर कस्बे होते हैं वहां पर आप एट लगाते हैं. लेकिन ये सिचुएशन बदलती रहती है, आपको देखना होगा. जैसे कि अगर हम कहें कि हापुड़ यूपी में है, तो हापुड़ के लिए अगर आपको कोई प्रीपोजिशन लगानी है तो आप एट लगाएंगे और यूपी के लिए लगानी है तो इन लगाएंगे. इसी तरह से अगर मान लीजिए कि कोई हापुड़ का विलेज है तो विलेज से पहले आप एट लगाएंगे और फिर हापुड़ के लिए इन लगाएंगे. या आप किसी स्पॉट की बात करें तो वहां पर एट लगाएंगे. तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है. अगर एक छोटी चीज, एक छोटा प्लेस और एक बड़ा प्लेस दोनों आपके साथ आ जाएं तो आप बड़े में इन लगाएंगे, चाहे वह अपने आप में छोटा ही क्यों ना हो. जब कंपेयर हमारे सामने होती है तो हम स्मॉल में जो प्लेस है वहां पर एट और जो हमारा बिग प्लेस है वहां पर हम इन लगाते हैं. तो यहां पर आपने सीखा कि हम इनका कैसे यूज करते हैं. और जो
ओपन यूजेस हैं इनके, उनको हम आगे सीखते रहेंगे। इस लेवल पर इतना ही काफी होगा। इसके बाद आता है इनटू। इनटू क्या होता है? इनटू मान लीजिए कि ये आपका रूम है, आप चलकर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? मोशन। मोशन का मतलब होता है गति। गति मीन्स स्पीड। जब आप एंट्री करते हैं चलकर, तो आप इनटू का यूज करते हैं। अगर कोई कुआं है और कोई नीचे गिर गया, तो वह इनटू द वेल जाएगा, यानी स्पीड में दिशा बदल करके एंट्री करने को आप इनटू का यूज करते हैं। तो हमने देखा कि इनटू स्पीड के अंदर आता है, जबकि इन ऑलरेडी अंदर सिचुएटेड होता है। अब इसके बाद आता है विदिन। विदिन क्या होता है? विदिन का मतलब कुछ ऐसे मान लीजिए, जैसे कि हमने यहां पर कहा था कि ही विल कम इन अ मंथ। ये हमारा मंथ का एक पीरियड है, ठीक है। हमारे 31 डेज पूरे हो गए हैं और नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ वह आ गया, ये हुआ इन। तो ये पूरा करने के बाद जस्ट नेक्स्ट ओपनिंग डे पर आ जाना इन है। और विदिन क्या है? हमने आपको एक वीक या एक मंथ का टाइम दिया और आप उसके फिनिश होने से पहले पहले आ गए। अगर आप हिंदी में कहें तो आप हिंदी में कह सकते हैं विदिन का मतलब है, आप कह सकते हैं बिफोर द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड, ऑफ अ सर्टेन पीरियड, यानी किसी भी पीरियड के फिनिश होने से पहले जब आप अंदर आ जाते हैं, तो वहां पर आप क्या लगाते हैं? विदिन। हमने कहा वे एक हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे? ही विल कम विदिन अ वीक। अब वे चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे 3 दिन बाद आए, चाहे 6ठे दिन आए, लेकिन 1 वीक के अंदर अंदर आ जाएगा का मतलब यह है कि फिनिशिंग पॉइंट नहीं आने देगा, तो उसको कहते हैं विदिन। आपने सुना होगा जितनी चादर हो उतने पैर फैलाइए। तो इसमें क्या करते हैं कि अपनी लिमिट में रहना, तो लिमिट में रहने में भी हम विदिन लगाते हैं, वी शुड लिव विदिन आवर मींस। तो यहां पर भी विदिन का आप यूज अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है बिटवीन। बिटवीन के अगर हम दो वाले मीनिंग से हटकर के सोचें, तो एडवांस इंग्लिश में और बहुत सारे इसके मीनिंग्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले चूंकि आज हमारा फेज 1 ही बेसिक टॉपिक है, तो हम बिटवीन 2 के लिए करते हैं। ये सिचुएशन भी हो सकती है, मान लीजिए कि ये आपका गाजियाबाद है, ये दिल्ली है, ठीक है, और ये हापुड़ है। तो आप क्या करेंगे? हम कहेंगे गाजियाबाद इज बिटवीन हापुड़ एंड दिल्ली। तो दो सिटीज के बीच में होने पर आप बिटवीन का यूज करते हैं। और जब आप कोई चीज बांट रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो भी वहां पर आप बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो इस तरह से भी वहां पर बिटवीन का यूज करते हैं। अमंग का यूज वहां पर करते हैं जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन में या सिचुएशन में मोर देन टू हो, तो मोर देन टू होने पर हम अमंग लगाते हैं। लेकिन जब संख्या इतनी सारी हो जाए कि काउंटिंग से बाहर हो जाए, नंबर लेस हो जाए, तो वहां पर हम अमंगस्ट लगाते हैं। याद रखिएगा इसमें ई नहीं लगना है। तो ये अमंगस्ट आपका क्या होगा, इसमें आपने ई नहीं लगाना है। अमंगस्ट अनकाउंटेबल, जैसे कि बहुत सारी भीड़ है, आप रामलीला देखने के लिए गए, किसी फेयर में देखने के लिए गए, अमंगस्ट देम यू आर फीलिंग योर सेल्फ स्ट्रेंजर, तो वहां पर स्ट्रेंजर में भीड़ के बीच में जिन्हें आप नहीं पहचान पा रहे, तो वहां पर आप अमंग्स का यूज करते हैं। तो ये आपको इन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब शुरू करेंगे हम, यहाँ पर हम ऑन को अब स्टडी करने जा रहे हैं। ऑन का मतलब होता है पर। अब यहाँ पर सभी पर या के ऊपर के सेंस देने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान से सुने। आप एक एक एग्जाम्पल को जो हम बोल रहे हैं लिख लें। देखिए, ऑन माने भी पर या के ऊपर, अबोन भी के ऊपर, ऑन टू, ओवर, अबव, एट, सब ये पर या ऊपर ही हैं। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये हमें समझना है। इन प्रीपोजिशन को समझना बहुत आसान है, क्योंकि ये सब टेक्निकली कोई ना कोई लिंक बन जाता है और हम समझ पाते हैं कि कैसे इनको हम जोड़ें। तो यहाँ पर आपने लिखा ऑन। अब ये ऑन क्या होता है? बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने इनकी स्टडी की है, उसी सीरीज में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो हमने ऑन क्या करना है, मान लीजिए ये आपकी टेबल है, यहां पर आपकी बुक रखी है, तो बुक क्या है? टच है, ठीक है। या मान लीजिए कि कोई ब्रिज है और आपकी कार चल रही है, लेकिन नीचे से टच होने पर, मूवमेंट हो या ना हो, डजंट मैटर, तो वहां पर ऑन लगाते हैं।
हम कहेंगे व्हीकल्स वर रनिंग ऑन द रोड, यू कैन से माय बुक इज ऑन द टेबल. तो यू कैन से ऑन टच करना मांगता है, ऑन को टच होना जरूरी होता है. दूसरा होता है ऑन डेट के लिए. डेट मतलब वो आप कोई मीटिंग वाली डेट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस डेट की. जैसे कि हमने कहा आई विल टेक अ क्लास ऑन अक्टूबर 2nd, ऑन अक्टूबर 3rd, किसी भी डेट में अगर हमने कोई क्लास ली तो उस डेट से पहले आप ऑन लगाते हैं. तो ऑन कहां पर आता है आपका, तो ऑन आता है आपका टच में, ठीक है. और ऑन कहां पर आएगा आपका, ऑन आएगा आपका डे में, डेट में. आपको जनरली ऑन लगाना होता है. अगर कभी ईयर आ जाए 1992 में तो वहां पर आप इन लगाते हैं, जबकि डेट आने पर आपको ऑन लगाना होता है. इसके बाद आता है अपॉन. अपॉन और ऑन टू को ध्यान से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. इसमें क्या करते हैं आप अपॉन में, अपॉन में यह करते हैं कि यह आपकी टेबल है, यहां पर आपकी कैट, ठीक है, यहां पर बैठी है. कैट ने जंप लिया और कैट नीचे से अब ऊपर की सरफेस पर आ गई, तो ये हो गया अपॉन. तो कहां से, ग्राउंड से ऊपर आ जाना अपॉन होता है. मान लीजिए कि आपने बॉल को नीचे टप्पा दिया और बॉल नीचे से बाउंस हुई और टेबल पर आई, तो उसको आप अपॉन कहते हैं. तो ये क्या हुआ, यह हुआ आपका मोशन, सॉरी यह हुआ आपका मोशन. मोशन का मतलब है स्पीड. स्पीड में किसी चीज के ऊपर जाना, रुकना या नहीं रुकना वो एक अलग बात है, बट उसके ऊपर लगना आपका अपॉन है. अब अपॉन में और ऑन टू में क्या डिफरेंस है, देखिए ऑन टू क्या है कि मान लीजिए कि आपका ये सोफा है, ठीक है, यहां पर आपका ये टेबल है, यहां पर कोई आपका सॉक्स वगैरह कुछ पड़ा है या कोई बुक पड़ी है, आपने यहां से उसको उठाई और बड़ी केयरलेसली यहां पर फेंक दी. केयरलेसली या अनकेयरलेसली ये सब अलग टॉपिक है. विदाउट केयर आपने जब किसी ऊपरी सरफेस से किसी ऊपरी सरफेस पर कोई चीज फेंकी तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं ऑन टू. मींस माय फादर पुट द बुक ऑन टू द टेबल. तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कहीं ऊपरी सरफेस से उठाई है और ऊपरी सरफेस पर रखी है. अब यहां पर स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम ऑन लगाएं या ऑन टू लगाएं. तो अगर दो प्रीपोजिशन सही होती हैं तो ऑप्शन में कोई एक दी जाती है, और ऑन टू में आपको सिचुएशन पूरे फुल सेंटेंस देकर के बताई जाएगी कि इट वॉज लाइंग ऑन द टेबल एंड फादर पुट इट ऑन टू द चेयर और एनी वेयर. तो आप तब समझ जाएंगे कि ऊपर से ऊपर ही रखा गया तो वहां ऑन टू है, जब केवल केवल एक बार में कोई चीज प्लेस की गई तो वह ऑन है. तो यहां पर आपने सीखा कि ऑन टू का यूज कहां करते हैं. इसके बाद आता है ओवर. ओवर का क्या यूज है, अब देखिए ओवर के यूज को समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा. इसमें हमने लिखा है बीच में वैकेंसी. अब ये वैकेंसी का ओवर से क्या मतलब हो सकता है ये हमें समझना है. यहां पर एक्चुअली ये जो वर्ड्स लिखे हैं ये केवल हिंट हैं, लिंक्स हैं, ताकि ये हमारे माइंड में अच्छे से आ सके. समझ रहे हैं ना, ये लिंक्स हैं, ये मीनिंग नहीं है. ये कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए गए हैं जो आपके माइंड को टच करें और आपको याद रहने लगे. ये कोई हार्ड एंड फास्ट वर्ड्स नहीं है जिनको आप समझें, ये केवल लिंक हैं. हम कहां पर हैं, अब हम हैं ओवर पर, ठीक है, ओवर पर. तो ओवर में क्या है, मान लीजिए कि आपका पंखा चल रहा है, ठीक है, आप यहां पर टेबल पर और चेयर के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है. ये जो फैन है, अब जो फैन है और आप यहां पर बैठ करके टेबल पर पढ़ रहे हैं, तो ये जो टेबल है और ये जो फैन है इसके बीच में वैकेंसी है, वैकेंट स्पेस है, खाली जगह है. तो यहां पर हम कहेंगे द फैन इज ओवर योर हेड. अगर हम ये कहें कि पंखा आपके सिर पर है, तो अगर हम सिर पर रखकर पंखे को ले जा रहे हैं तो ऑन योर हेड आएगा, जो कि टच है. और ओवर योर हेड का मतलब है कि सिर के ऊपर तो है बट
प्लेस्ड नहीं है, टचिंग नहीं है, बीच में स्पेस खाली है। तो जब आप ओवर की स्टडी करते हैं तो ओवर में ये मान लीजिए कि कोई टिन शेड, कोई आपकी सीलिंग, कोई कुछ ऐसा होता है जिसे आप छत, छत एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है समझने के लिए। एवरीबॉडी शुड हैव अ रूफ, ठीक है, ओवर देयर हेड। तो यहाँ पर ऑन देयर हेड नहीं आएगा, ओवर आएगा, क्योंकि जो चीज ऊपर होती है और हम नीचे हैं, बीच में वैकेंसी है, खाली जगह है, तो वहां पर हम ओवर लगाते हैं। तो यहाँ पर ओवर का इससे अलग और भी मीनिंग है, और वह मीनिंग क्या है? देखिए, जब हम कहीं पर किसी चीज की लिमिट को पार कर जाते हैं तो वहां पर ओवर लगाते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी और स्पेस के बाद आप जब क्रॉस द लिमिट करते हैं, ठीक है, टू क्रॉस द लिमिट, जब आप लिमिट पार करते हैं, जैसे कि हम अपने बच्चे से किसी से कहते हैं यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन 20 रुपीज, तो अब जो 20 रुपीज है उसके बाद जो वो स्पेंड करेगा वो ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह की सिचुएशन में भी आप ओवर का यूज करते हैं। इसके बाद आता है अबव, अबव पोजीशन में आता है। पोजीशन से क्या मतलब है? देखिए, ये आपकी शेल्फ है, इस शेल्फ में ये आपके पार्ट्स हैं, ड्रॉवर्स हैं, जिस तरह की भी है, तो ये वाला पार्ट इसके अबव कहलाएगा, ये वाला इसके अबव कहलाएगा। ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये पहली शेल्फ 2 के अबव है। अगर हम ओवर कहते तो ये कहीं लटकी हुई होती, बीच में जगह खाली होती। अब क्या होता है कि जब शेल्फ होती है तो इसका जो बीच का पार्ट है दोनों के लिए कॉमन होता है। अगर इसका पार्ट अलग था, यानी ये एक डब्बा था, फिर आपने दूसरा डब्बा रखा, फिर आपने तीसरा डब्बा रखा, और हर एक की सरफेस अलग अलग सेपरेट है, तो ये ऑन कहलाएगा। बट जब दोनों का एक ही शीट, एक ही टिन की चादर ऊपर और नीचे का काम करे तो ये अबव एंड बिलो कहलाती है। तो अबव का मतलब है स्थिति, अबव का मतलब है पोजीशन, अबव पोस्ट के लिए भी आता है जिसमें किसी की बड़ी रैंक होती है। और जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपको लिखा गया होता है क्वेश्चन गिवन अबव, ऑप्शंस गिवन बिलो, तो वो अबव उसी सिचुएशन में ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो इसके बाद आप आते हैं एट पर। एट का मतलब भी पर या के ऊपर होता है। एट में हम फोकस करते हैं, अटेंशन देते हैं, इसमें कोई ना कोई पॉइंट होता है। ये पॉइंट ऑफ प्लेस भी हो सकता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम कैसे हो सकता है? जैसे कि हमने कहा सी मी एट 5, तो 5 बजे ही मिलना है आपको। अब आप कहेंगे कि सर हमने इन टाइम वगैरह पढ़ा है, तो इन टाइम, ऑन टाइम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, हमें इस समय डिस्कशन है एट कहाँ लगाते हैं। तो जब आप बिल्कुल पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं तो आप वहां पर एट लगाते हैं। हमने कहा सी मी एट 5 o'clock, ठीक है। दूसरे कोई भी स्पॉट, हमने कहा कि एट द स्टेडियम, कोई संस्था जहां पर आप पर्टिकुलर स्पॉट आउट करें, वहां पर जाकर मिलें, तो वहां पर आप एट लगाते हैं। और छोटे शहरों और गांवों के लिए एट लगाते हैं, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपका सिटी है आगरा, अगर आप उसे कमिश्नरी और मंडल के हिसाब से देखें तो आपको बड़ा लगता है, और अगर आप देखें कि एक पिकनिक स्पॉट है तो ऐड लगता है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आगरा में इन और ऐड दोनों आ सकते हैं। सेंटेंस देखना पड़ेगा कि हम आगरा को एक स्पॉट मान रहे हैं या एक वाइड रेंज लेकर के कोई सेंटेंस थिंक कर रहे हैं। इसके बाद ऐड आता है रेट बताने में। जैसे कि हमने कहा कि केले 60 रुपए दर्जन बिक रहे हैं, तो बनानास आर सोल एट 60 रुपीज। तो एट जब लगाते हैं, जब आप दर बताते हैं, जब आप फिक्स रेट बताते हैं। हम कहते हैं शुगर इज सोल्ड 40 रुपीज, एट 40 रुपीज पर केजी। तो एट का मतलब होता है बिल्कुल फिक्स पॉइंट लगाना। इसके बाद हमने यहाँ पर इशारे के तौर पर नाइट लिखा है, एट का मतलब नाइट नहीं होता। जैसे कि मान लीजिए आपने कहा एट नाइट, एट नाइट, तो अगर आपने इसमें द यूज नहीं किया तो एट नाइट आएगा, लेकिन अगर द यूज किया है तो आप फिर इन द नाइट लगाएंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, इनके साथ द का आना जरूरी है, एट के साथ द का आना जरूरी नहीं है।
एट इवनिंग, इन द इवनिंग, एट नून, इन द नून, इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में एट नहीं लगाते हैं, केवल एट नून लगाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलेंगे अपने तीसरे पार्ट की ओर। इस तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर यूजेज है वो वर्ड अगर आप हिंदी में लें तो हम देखेंगे कि वो से के लिए है। से का मतलब क्या है? से का मतलब है कि बहुत सारे मीनिंग्स हैं यहाँ पर, वही हमें समझना है। देखिए, अगर हमने लिखा फ्रॉम, तो फ्रॉम में आया सेपरेशन, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लेस और स्पॉट, और किसी का कोई सिरा। तो कैसे समझेंगे हम इसको? सपोज कीजिए सबसे पहले इस सेपरेशन, जैसे कि हम कहें आई केम फ्रॉम दिल्ली, तो यानी मैंने दिल्ली को छोड़ दिया, मैं बाहर निकल आया। इट मीन्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, गंगा राइजेस फ्रॉम गंगोत्री, पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से बनना शुरू हुआ, निकलना शुरू हुआ, वो टाइम भी हो सकता है। जैसे कि हम कहें कि मिस्टर एक्स वाई जेड सिट्स फ्रॉम 10 to 12, कि वो 10 बजे से 12 बजे तक बैठते हैं, तो वहां पर आप क्या करेंगे कि जो आपका ओपनिंग टाइम है, जो ओपनिंग प्लेस है, वहां पर फ्रॉम लगाते हैं, जो एंडिंग पॉइंट है उस पर टू लगाते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको जनरली पता होगा। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे हम दूसरे पॉइंट से इसको लिंक करेंगे। तो यहां पर हमने सीखा यहां पर स्पॉट और एंड। इसके बाद आता है थ्रू मीडियम। मीडियम कैसे? अगर मान लीजिए कोई टनल है और हम उस टनल से निकलकर आए हैं, तो यहां पर थ्रू का मतलब होता है से होकर, यानी मीडियम, माध्यम, बीच से होकर। हमने कहा हम दिल्ली से आए हैं, ये मान लीजिए हमने कहा हम दिल्ली से आए हैं। तो अब इसमें अब आप ये कह सकते हैं कि सर आप अब यहां थ्रू लगाने वाले हैं। सपोज मैं सेंटेंस बोलता हूं कि आई केम थ्रू दिल्ली, तो आप कहेंगे अभी तो आपने फ्रॉम बताया था। तो हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो हम सोच रहे हैं कोई यूज करना है, हमें सीधे सीधे हिंदी पर नहीं जाना होता। अगर हमारी इंटेंशन यह है कि मैंने दिल्ली से ही चलना शुरू किया तो मैं फ्रॉम लगाऊंगा, बट अगर मैं गुजरात से आ रहा हूं, ट्रेन स्टेशन दिल्ली पर आई और फिर मैं दिल्ली से अपने वेस्टर्न यूपी की तरफ चला, तो फिर क्या होगा? मुझे थ्रू लगाना पड़ेगा। इट मीन्स जो आपका बीच में पड़ा, इट मीन्स आप गुजरात से आए, दिल्ली बीच में पड़ा और आगे कहीं और आप निकल गए, तो ये क्या कहलाएगा? थ्रू। थ्रू का मतलब है से होकर, ठीक है, से होकर गुजरना। यू मस्ट गो थ्रू दिस बुक, तो से होकर आगे जाना। अब विद क्या होता है? अब इस विद को भी समझेंगे, यहां पर बाय और समझ लेते हैं। अब बाय में क्या किया? बाय का मतलब है द्वारा, इसका मतलब भी से के सेंस में आ रहा है। द्वारा कैसे? भाई हमने कहा हम बस से आए हैं, हम ट्रेन से आए हैं, बाय ट्रेन, बाय बस। और जब भी हम एक बात और बता दें, जब कन्वेंस की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। तो जिसमें हम बैठकर आए, जो हमारा साधन था, ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं साधन बाय बस। तो किस तरह का सेंटेंस बनेगा? वी केम, मान लीजिए हम गाजियाबाद से चले, सॉरी दिल्ली से चले, गाजियाबाद होते हुए हापुड़ आए, तो हम कहेंगे वी केम फ्रॉम दिल्ली थ्रू गाजियाबाद। थ्रू मतलब यहां पर मान लीजिए कि वाया गाजियाबाद, ठीक है, और ये आपकी बस चल रही थी और आप कहेंगे बाई बस। तो बाई आया, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स है, बाई बस, जो बीच में पड़ा उसमें थ्रू, और जहां से चलना शुरू किया वहां पर आप क्या लगाएंगे? वहां पर आप लगाएंगे जहां से शुरू किया चलना, फ्रॉम। इसके बाद आता है बाय का यूज कहां पर होता है? तो बाय का यूज मेजर में होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि कपड़ा मीटर में बेचा जाता है, तो क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। कई बार थोक में किलोग्राम में भी बेचा जाता है, तो बाय द किलोग्राम। तो बाय प्लस आर्टिकल द प्लस आपका जो भी मेजर यूनिट है वो आप लगाएंगे, मेजरिंग यूनिट। तो आप लिखेंगे कि मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर।
इसी तरह से यहाँ पर एक द्वारा है, द्वारा पैसिव वॉइस में आप समझते ही हैं, दिस इज स्टोर्ड बाय मी, तो बाय पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्टिव केस से पहले लगाया जाता है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव केस को आते ही हमारे माइंड में एक बात आई, याद रखिएगा कि बाय या कोई भी प्रीपोजिशन आपके कभी भी आए, आपको आई नहीं मी लिखना है, ही नहीं हिम लिखना है, दे नहीं देम लिखना है, क्योंकि इसको बाय का ऑब्जेक्ट कहा जाता है और इसमें कोई भी नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज किया जा सकता है। इसके बाद आता है आपका इन द कंपनी ऑफ। इन द कंपनी ऑफ का मतलब कैसे है, जैसे कि हम कहें कि ही केम एंड सेट बाय मी, तो वह आया और मेरे पास बैठ गया, तो यहाँ पर बाय का मतलब पास होने से है, तो बाय का मतलब पास होने के सेंस में भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद है सिंस, और सिंस का मतलब है से, सिंस का मतलब से, और फोर का मतलब भी से, तो फोर कहाँ पर लगाते हैं इसको आपको अच्छे से समझना होगा। आपने परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट के सभी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस की स्टडी अच्छे से की होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि क्या आई हैव बीन टीचिंग, कुछ इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो जितने भी ऐसे पॉइंट होते हैं जिनके प्लूरल नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते, वो उससे पहले सिंस लगाते हैं। ये एक देसी तरीका है, एक सिंपल वे है। और अगर जिसका प्लूरल बन सकता है फॉर अ मंथ, चाहे वह सिंगुलर ही क्यों ना हो, लेकिन जिसका प्लूरल बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल फॉर टू मंथ्स, तो जिसका प्लूरल बन सकता हो चाहे वो सिंगुलर ही क्यों ना हो, वहां पर फॉर लगाते हैं। तो फॉर को याद रख सकते हैं एफ ओ यू आर से, कि जिसके चार बन सकते हैं, चार से कोई लेना देना नहीं है, जिसके बहुत सारे बन सकते हैं उसमें फॉर, जिसमें नहीं बन सकते उसमें सिंस। इसीलिए हम कहते हैं सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस 1992, सिंस मिडनाइट, ओके। इसलिए सिंस का यूज होता है। अगर हम इसको लिटरल वे में बोलें, एक अच्छे तरीके से ग्रामर के अच्छे वर्ड्स में टर्मिनोलॉजी में बोलें, तो बोलेंगे सिंस आएगा पॉइंट ऑफ टाइम में, क्योंकि हमने मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया। फोर आएगा पीरियड ऑफ टाइम में। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है कि जैसे हमने कहा आधा घंटा, हमने कहा 20 मिनट, एक ड्यूरेशन होता है, और मॉर्निंग एक समय है जिससे आगे कब तक ये पता नहीं होता, तो पीरियड ऑफ टाइम में फोर आता है। ये भी इसका मतलब से है, इसका मतलब भी से है। और इसके बाद आता है फोर का एक दूसरा यूज, जिसे कहते हैं पर्पस। तो पर्पस का यहाँ पर क्या मतलब है, पर्पस, अब आप कभी ऐसा मत समझ लीजिएगा कि इन्फिनिटिव की जगह टू का यूज करने की जगह आप फोर करने लगे। पर्पस ऐसे, जैसे कि हमने कहा ये पेन लिखने में अच्छा है, तो दिस पेन इज गुड फॉर राइटिंग। तो जब कोई मशीनरी, कोई टूल, कोई वेपन किसी काम में अच्छा होता है, तो उस पर्पस में आप फोर लगाते हैं, ओके। इस वाली साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर इनसाइड रह गया हमारी स्टडी से। तो इनसाइड क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये बॉक्स है, तो इसकी बाहरी सरफेस जो है ये आउटसाइड कहलाएगी और इधर की सरफेस इनसाइड कहलाएगी। हमने कोई कार्डबोर्ड लिया या कोई टिन बॉक्स लिया, तो उसको हमने बाहर से जो पेंट किया वो आउटसाइड है, जो अंदर से पेंट किया वो सरफेस को टच करके इनसाइड है। इससे अलग हम कुछ और दूसरी चीजें भी यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए इनसाइड का ऑपोजिट आउटसाइड है और इसका सेंस उसी तरह से वापस आता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑन, ऑन का जो ऑपोजिट है वो बीनीथ होता है। बीनीथ मतलब कोई चीज ऊपर से टच है तो ऑन, और अगर नीचे से टच है तो ये क्या होगा, बीनीथ कहलाएगा। तो इस तरह से अपॉन है, तो अपॉन में अगर कोई कैट कूदकर नीचे चली गई तो वह ओ डबल एफ ऑफ होता है। अपॉन में नीचे से ऊपर कूद कर जाते हैं और ओ डबल एफ में कूद कर ऊपर से नीचे जाते हैं। ओवर का उल्टा अंडर होता है। अगर छत आपके ओवर हेड है तो आप अंडर द रूफ हैं, अब आपको क्लियर हो गया होगा। और एबव का जो अपोजिट है वो बिलो होता है, उसी सिचुएशन में नीचे की ओर। आई होप कि ये लेक्चर आपको बड़ा अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज अगर समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कीप ऑन वॉचिंग और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।